अस्सलाम वालेकुम। आज हम अनबॉक्स करेंगे इन्फिनिक्स नोट 11। इन्फिनिक्स नोट 11 की अनबॉक्सिंग करेंगे। मेरे पास मोबाइल जो है मौजूद है, ये 4 GB 128 GB बिल्ट इन मेमोरी, 4 GB इसमें रैम है, 128 GB बिल्ट इन मेमोरी है। इसमें एक और वेरियंट भी आता है 6 GB 128। इसकी प्राइस की बात करेंगे, तमाम इसकी फीचर्स की बात करेंगे कि आपको क्या क्या देखने को मिलता है, और उसकी अनबॉक्सिंग के साथ साथ मैं आपको तमाम डिटेल्स समझा दूँगा। तो कुछ डिटेल्स मैं आपको अभी बता देता हूँ जो इसके मेन फीचर हैं। तो इसका जो कैमरा है बैक साइड पे, वो ट्रिपल कैमरा है, 50 MP का इसका बैक कैमरा है मेन कैमरा जो है, और जो फ्रंट कैमरा है वो 16 MP का है। जो इसमें चिपसेट यूज़ किया गया, प्रोसेसर मीडिया ट्रैक का जो है हेलो G88, और इसका डिस्प्ले साइज है 6.7। तो बाकी और इसमें बैटरी 5000 mAh की दी गई है, तो बैटरी भी इसमें अच्छी है। और इसका जो सुपर AMOLED डिस्प्ले है वो एक इसमें बहुत अच्छी चीज़ है। इस प्राइस रेंज में आपको सुपर AMOLED जो है डिस्प्ले नहीं देखने को मिलता। तो चलिए इसके अनबॉक्सिंग करते हैं, बाकी डिटेल्स जो है अनबॉक्सिंग के साथ साथ देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 128 GB और 4 GB रैम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपर AMOLED जो डिस्प्ले जो मिलता है AMOLED का, तो ये डिस्प्ले आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, यहाँ से इसको रिमूव कर लेते हैं, इसकी बैक कवर को, यहाँ से पन्नी वगैरह को। यहाँ से हमने मोबाइल को निकाल लिया बाहर, और यहाँ से अब इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं इसमें तमाम क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं, साइड पे कर देते हैं, और इसके बाद जो है हम यहाँ पे इस पन्नी को भी यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये हमारी मोबाइल हमारे आ गया ब्लैक कलर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ब्लैक कलर तो बहुत ही खूबसूरत है यार इसका, काफ़ी जो है ना इसकी शायद आपको वीडियो में इसका लुक नज़र आ रहा हो ना, वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्मूथ कलर है, वो बहुत ही बेस्ट जो है अच्छा लग रहा है डिवाइस जो है ना। तो ये इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफ़ी मतलब लुक वाइज मोबाइल है, तो इसको यहाँ से ऑन कर लेते हैं, और लुकिंग वाइज मोबाइल लग रहा है दिखने में तो काफ़ी प्यारा है। तो इसको ऑन करने के बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं तमाम इसकी चीज़ें। तो ये इसके जो है शॉप्स वगैरह के एड्रेस वगैरह हैं, इसके जो हेल्प सेंटर वगैरह हैं, तो उनका ये पेपर है। तो यहाँ से इसके हम देखते हैं इसमें क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पर। तो ये हमारे पास हो गया ओपन। तो यहाँ पर इसका जो है $1 का जो है ये किया गया है, वारंटी कार्ड है, और इसको भी हम साइड पर कर देते हैं। इसके बाद इसमें ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, इसका कवर जो है बैक कवर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन किया गया है, तो इसको भी हम लगा के चेक कर लेंगे। बाकी ये इसका जो है कार्ड है गेमिंग वगैरह के हवाले से, और इसमें चार्जिंग जो दी गई है वो फास्ट चार्जिंग दी गई है आपको, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 33 वाट की आपको स्क्रीन नज़र आ रही हो, तो शायद 33 वाट की फास्ट चार्जिंग आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो इसमें एक और अच्छी चीज़ है जो टाइप सी, आप यहाँ देख सकते हैं टाइप सी डाटा केबल है, टाइप सी का ऑप्शन काफ़ी प्यारा है। तो उसकी प्राइस जो है, प्राइस की बात भी कर लेते हैं, प्राइस आपको ये जो है मार्केट में इस वक्त मिलेगा 25,000 रुपये तक आपको ये मार्केट से मिल जाएगा। इसके जो ऑफिशियल प्राइस हैं वो हैं 28,999 रुपये। तो बाकी इसको सेटअप कर लेते हैं फिर देखते हैं। अच्छा, मोबाइल हमारा सेटअप हो चुका है, यहाँ पर हम सेटिंग में जाते हैं ताकि मैं आपको इसके तमाम फीचर दिखा सकूँ। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं, इसके बाद माई डिवाइस में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फिनिक्स नोट 11 11 पॉइंट वर्जन है, और जो चिपसेट इसमें यूज़ किया गया है वो है मीडिया टेक का हेलो G88। 16 MP का फ्रंट कैमरा है, बैक कैमरा जो है वो 50 MP का है, और इसकी जो रैम है 4 GB है, इसमें 6 GB रैम वाला मोबाइल भी आता है, और 128 GB बिल्ट इन मेमोरी है इसमें, सिर्फ 128 है इसके अलावा, ना छोटी ना ज़्यादा ना इससे कम है। तो इसके बाद 5000 mAh बैटरी है, और उसके रेजोल्यूशन है 1080। तो तमाम चीज़ें आपने ये देख ली हैं, और अब हम इसकी जो है यहाँ पर अनबॉक्सिंग के बाद जो है हमने इसकी अब कोई कैमरा टेस्टिंग भी थोड़ा कर लेते हैं, ताकि कैमरा में आपको कैमरा रिव्यू दिखा दूँ, इसके ऑप्शन दिखा दूँ। तो कैमरा में भी काफ़ी अच्छे ज़्यादा ऑप्शन इसमें दिए गए हैं आपको, तो आप यहाँ पे शॉर्ट वीडियो, वीडियो ऑल कैम, ब्यूटी कैम, पोर्ट्रेट मोड, आप पोर्ट्रेट मोड में जो है वीडियो शूट कर सकते हैं, फोटो ले सकते हैं पोर्ट्रेट मोड में। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो है नाइट मोड मिल जाता है, नाइट मोड भी अच्छी चीज़ है, AR शूट है, स्लो मोशन है, पैनोरामा है, प्रो मोड है। तो इसके बाद डॉक्यूमेंट्स, टाइम लैप्स वगैरह तमाम ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो फ्रंट कैमरे में हम यहाँ पे इसको फ्रंट कैमरा कर लेते हैं, ताकि मैं आपको फ्रंट्स के भी कुछ दिखा सकूँ कि आपको फ्रंट में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो फ्रंट में भी आपको जो है पोर्ट्रेट मोड वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है, आप वीडियो में जो है पोर्ट्रेट मोड भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर पोर्ट्रेट इफेक्ट से जो है आप अपनी वीडियो को शूट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है मैं इसको बैक कर देता हूँ, तो इसकी कुछ फ़ोटो ले लेता हूँ, इसमें बॉक्स की ले लेता हूँ फ़ोटो थोड़ी सी, ताकि मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखा सकूँ। तो इसका कैमरा टेस्टिंग है, एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको इसको अच्छे तरीके से आपको उसका रिव्यू मिल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कैमरा जो है बैक कैमरा अच्छा है, लेकिन जो फ्रंट कैमरा है वो मैंने टेस्ट किया था, मुझे इतना खास नहीं लगा, इसलिए कि जो इन्फिनिक्स टेक्नो है ना, इनके जो पिक्सल्स हैं वो फोटो के फट जाते हैं फ्रंट कैमरे के खास तौर पर। तो फ्रंट कैमरे को मैंने इसके जितने भी मोबाइल यूज़ किए, मुझे फ्रंट कैमरा इनका किसी का भी पसंद नहीं आया। तो ये थी आज की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।